हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे इट्स आवर सेकंड क्लास ऑफ द सेगमेंट एमएससी एंट्रेंस जूलॉजी लास्ट ईयर पीवाईक्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम कब यूज़ करेंगे? जो पार्टिकल इतना छोटा हो कि हम उसे आंखों से ना देख सके। तो इसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो है राइबोसोम, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोलिपिड्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए फॉस्फोलिपिड ही क्यों चूज किया गया, मतलब फॉस्फोलिपिड क्यों है सबसे सुटेबल? क्योंकि इसके अंदर दोनों ग्रुप होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। दूसरे वे में हम कहें तो फॉस्फेट ग्रुप होता है एक, तो जो हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर लविंग होता है, और दूसरा ग्रुप होता है लिपिड ग्रुप, जो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर हेटिंग होता है। तो इसमें दोनों ग्रुप हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं और सबसे बेस्ट सुटेबल रहते हैं। एक टाइप में कहें तो फॉस्फोलिपिड का एम्फोटेरिक नेचर है इसलिए, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन आर फैसिलिटेटेड बाय सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल। वो कौन से कंपोनेंट है जो आपस में सेल को मतलब पहचानने में और आपस में उनके इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं? तो वो हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब ये जानते हैं ऐसा होता कैसे है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है, ग्लाइको पार्ट है, इसका मतलब एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। ग्लाइकोलिपिड में भी सेम चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है एक सेल का, वो दूसरी सेल के कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड एंजाइम है वो है परमेज, और इसका फंक्शन क्या है कि परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल है, तो उससे क्या है कि सारे पार्टिकल्स एंट्री नहीं कर पाते या फिर एग्जिट नहीं कर पाते। तो ये क्या करता है, परमेज की हेल्प से कुछ पार्टिकल्स को एंट्री करने में हेल्प होती है, ये क्या करते हैं परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। राइबोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? तो राइबोसोम के अंदर होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस टाइम। ये दो फंक्शन करता है, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, जितने भी अमीनो एसिड आएंगे उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और फिर जब उस पेप्टाइड को चेन बन जाएगी तो उसको रिलीज करवाने में भी हेल्प कौन सा करेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोक्लास्ट सेल इन बोन्स आर रिच इन। ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं वो रिच होती है लाइसोसोम में, जानते हैं क्यों? ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्या होता है कि जैसे कोई एजिंग आदमी है उसमें बोन है, उसको ख़त्म कर देता है एक टाइप में। बोन के अंदर जैसे कैल्शियम है उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, और कुछ है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और एक दूसरा होता है ऑस्टियोब्लास्ट, वो क्या करते हैं न्यू बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं डीजनरेट करते हैं बोन को, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली इज विदाउट डीएनए। डीएनए किसके अंदर नहीं होता, राइबोसोम में पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेमी ये प्लास्टिड है, इनके अंदर क्या होता है डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, राइबोसोम बनता है आरएनए प्लस प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबॉडीज आर रिच इन एंजाइम। माइक्रोबॉडीज के अंदर ऑक्सीडेज जो एंजाइम होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा रिच होते हैं। अब जानते हैं माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं। माइक्रोबॉडी होती हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन में होते हैं इसके अंदर। इनका फंक्शन क्या होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं परऑक्साइड का जो सेल के अंदर जमा हो जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और क्या करते हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, फोटो रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट में। तो इनका ये फंक्शन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर हेल्ड विद फॉस्फोलिपिड्स बाय। जितने भी मेम्ब्रेन है उसके अंदर सारे इंटरेक्शन होते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक आयनिक हाइड्रोफोबिक, तभी जाके वो आपस में हेल्ड मतलब टिकी रह पाती है जो मेम्ब्रेन है वो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। और एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि ट्राइलैमिनर मॉडल दिया किसने था, वो दिया था डेनिली एंड डेविसन ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर पेरिफेरल इन बायोमेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन होती है उसमें बाहर की साइड कौन से प्रोटीन मिलते हैं, तो ये तीनों ही प्रोटीन है वो बाहर की साइड मिलते हैं, और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम सी होता है वो भी बाहर की साइड मिलता है, और स्पेक्ट्रिन है ये तो मिलता ही है। अब देखते हैं मतलब इनका काम क्या है, कैसे होता है। जो एटीपीएज है उसके अंदर क्या है, दो पार्ट होते हैं, एफ नोड और एफ वन। जो एफ वन जो हेड पार्ट होता है वो पेरिफेरल में होता है, जो एफ नोड है वो अंदर की साइड होता है। ऐसे ही जो एसिटाइल कोलेस्ट्रेज है इसका फंक्शन क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पाया जाता है, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पे, ये सारे ही पेरिफेरल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसका आंसर रोडोल्फ विर्जोर, इसने एक वो भी दी थी टर्म ओमनी सेलुला ई सेलुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व साइज शेप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बेस्ट स्टेज होती है मेटाफोज में, क्योंकि इसमें कंडेंसेशन वगैरह जो भी होता है अरेंजमेंट होनी होती है क्रोमोसोम्स की, वो सब हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो एक इसका डिवीजन हो जाएगा न्यूक्लियस का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स बाय द रीजन ऑफ, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर भी होते हैं पर सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर होते हैं, उससे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल हैज टाइप्स ऑफ फाइबर, स्पिंडल के तीन टाइप होते हैं, तीन टाइप कौन से होते हैं, कंटिन्यूस फाइबर, डिसकंटिन्यूस फाइबर और इंटरजोनल फाइबर। जो कंटिन्यूस फाइबर होते हैं वो पोल टू पोल रन करते हैं, हमने सेल डिवीजन के दो में हम सबसे बेस्ट ये तीनों देखना चाहते हैं, तो मेटाफेज में शो होता है हमें, उस टाइम कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, इंटरजोनल तीनों देख सकते हैं। जो डिसकंटिन्यूस होता है वो सेंट्रोमियर से पोल तक होगा, और जो इंटरजोनल है वो सिर्फ दो सेंट्रोमियर के बीच में होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस में जो चार डॉटर सेल होते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे वो चीएस मेटाफॉर्मेशन होती है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है वहाँ पे, तो ये डिसिमिलर होती है जेनेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ग्रोन अप सेल डिवाइड्स, ग्रोन अप सेल डिवाइड जब होती है जब उनका कैरियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चियास्माटा आर सीन ड्यूरिंग, चियास्माटा सीन होते हैं हमें ये डिप्लोटीन स्टेज के दौरान, और चियास्माटा होता क्या है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं आपस में, वो रिकॉम्बिनेशन करते हैं, रिकॉम्बिनेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर वगैरह करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, तो उसको उस टाइम के जो बनता है उसको क्या कहते हैं, चियास्माटा। फिजिकल लाइन्स है इसको, अगर एक लाइन में कहना चाहें तो चियास्माटा इज फिजिकल लाइन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर सेट, डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज में होता है, स्टार्टिंग जो शुरू में जब डिवीजन होना स्टार्ट नहीं होता उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो उस स्टेज को कहते हैं इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ देम इज नॉट ए म्यूटेजन, इसका क्वेश्चन का आंसर होना तो ये चाहिए था कि विच आउट ऑफ देम इज अ म्यूटेजन, गलती से इसमें नॉट लगा दिया गया, तो इसका आंसर होगा डी, कोलचिन। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटेजन होता है, ये क्या करता है, जो माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होती है मियोसिस के दौरान उसको रोक देता है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑफ मैमल्स डू नॉट डिवाइड, कौन सी सेल मैमल्स की डिवाइड नहीं करती, वो नर्व सेल, ये जो क्वेसेंट स्टेज होती है जी नोड में जाके वहाँ पे अरेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनेप्स इज ए कॉम्प्लेक्स मेड ऑफ, साइनेप्स किसका बनता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये एक दो क्रोमोसोम के बीच में बनता है, दो क्रोमोसोम या कहीं फोर क्रोमेटिड्स के बीच में साइनेप्स बनता है, ये हाईली ऑर्डर्ड प्रोटीन ये स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, दो माइटोटिक डिवीजन हो गए तो उनके बीच में जो पीरियड होता है उसको कहते हैं इंटरफेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलचिचिन लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी बाय, हमने अभी पढ़ा था कोलचिचिन से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है क्योंकि वो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एंटीथेसिस ऑफ मियोसिस, एंटीथेसिस मतलब मियोसिस का अपोजिट क्या है, तो अपोजिट मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, तो ऐसे ही जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वे बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस आर सिमिलर, दोनों सिमिलर कैसे हैं, क्योंकि दोनों में क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, और दोनों है उसमें सेपरेशन भी होता है क्रोमोसोम का, तो ये दोनों, इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या है, सिमिलरिटी इन दोनों में, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रेजेंट इन द गैमेट सेल्स इज, डीएनए प्रेजेंट होता है गैमेट सेल में वो हाफ होता है बॉडी सेल का, क्योंकि जो बॉडी सेल होती है नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होती है वो 2n होती है, और जो गैमेट की सेल है उसमें डिवीजन होता है, मियोसिस होती है और नंबर हाफ हो जाते हैं डीएनए का, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेजेस इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज, ये स्टेजेस तो बिल्कुल याद कर लेना, और इसके अंदर मेन याद कर लेना कि जैसे लेप्रोटीन के अंदर ये होता है, कौन से में टर्मिलाइजेशन होता है, कौन से स्टेज में चियास मेटाफॉर्मेशन होता है, साइन ऑप्टिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, ये जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर है लेप्रोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इन सेल साइकिल, तो इसका आपको याद नहीं होता तो G1 G2 आएगा और उसके पहले S आएगा फिर M आएगा, बस ये याद कर लेना, G1 G2 एक बार G फिर S फिर G फिर M, ऐसे D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर होती है वो पैकाइटिन स्टेज के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इज डिपिक्टेड, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाता है, तो N से 2N। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज स्टेजेस क्रोमोसोम अंडरगो कंडेंसेशन एंड शॉर्टनिंग, कंडेंसेशन और शॉर्टनिंग प्रोफेज के दौरान होती है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीवेज डिफर्स फ्रॉम माइटोसिस इन, क्लीवेज है वो माइटोसिस से डिफरेंट कैसे होता है, ग्रोथ फेज में, वरना दोनों में क्या होता है, डिवीजन होता है, क्लीवेज का मतलब भी होता है डिवीजन, और माइटोसिस के दौरान भी सेल डिवाइड करती है, बट इनकी जो ग्रोथ फेज होती है ना वो डिफरेंट होती है,
Next question. Histones associated with genetic material apart from maintaining its configuration also act as. Histone का दूसरा काम होता है कि मॉड्यूलेटर की तरह काम करते हैं. तो इनका आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट विच स्टेज न्यूक्लियोलस कम्प्लीटली डिसअपियर. वो कौन सी स्टेज है जब न्यूक्लियोलस है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है. तो वो स्टेज होती है डिप्लोटीन. ये सब याद कर लेना कि न्यूक्लियोलस कब वो हुआ, चियासमाटा का फॉर्मेशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैकाइटिन इज एसोसिएटेड विद. पैकाइटिन है वो मियोसिस से एसोसिएटेड एक प्रोसेस है जो मेटाफेज सॉरी मियोसिस फर्स्ट के दौरान होती है, प्रोफेज फर्स्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट एनाफेज स्टेज द क्रोमोसोम ऑफ आवर बोन मैरो विल हैव. क्रोमोसोम कितने होंगे. अच्छा एनाफेज में क्या होता है, डिवीजन हो जाता है. तो एक पहले तो डिवीजन से पहले क्या होता है, चार क्रोमेटिड्स होते हैं. तो अब क्या हो जाएंगे, दो क्रोमेटिड्स हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर कैन नॉट बी मियोटिक डिवीजन इन वन ऑफ द फॉलोइंग. स्पर्म है वो पहले से ही एन है, उसका वो पहले से ही मियोसिस हो चुकी है उसके अंदर, तो उसके अंदर और मियोसिस नहीं हो सकती. बाकी बोन सेल जाइगोट सेल है वो क्या है, टू एन है, तो उनके अंदर हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड म्यूटिक डिवीजन इज. सेकंड जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन है वो हिटरोटाइप होता है क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक डिसिमिलैरिटी आती है, बट सेकंड डिवीजन होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल डिवाइड करती है, उसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होती. तो ये क्या होगा, होमोटाइपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ. चार हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, दो मियोसिस फर्स्ट में और फिर दो सेकेंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज कम्पेयर टू मियोसिस माइटोसिस हैज. माइटोसिस की जो प्रोफेज होती है वो शॉर्टर होती है और मियोसिस के दौरान हमें काफ़ी प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर वगैरह, तो वो लॉन्ग हो जाती है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट सेल डिवीजन इन द कैंसरस सेल लीड टू स्टेज व्हेन द सेल स्टार्ट्स मूविंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लो आपके किसी जैसे हाथ में कैंसर हुआ तो वो दूसरे पार्ट्स में भी एंट्री करना शुरू कर देगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेटास्टेसिस. ऑप्शन नंबर सी. मेटामोर्फोसिस तो हमें पता ही है, मेटाजेनेसिस भी है, तो फिर इसका ऑप्शन है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ड्रग कॉल्ड कोल्चिचिन. कोल्चिचिन का फंक्शन हमने अभी भी पढ़ा था, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है, तो इससे क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल्स ब्रेक हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोफेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच डीएनए पॉलीमरेज इज फंक्शनली एक्टिव इज. डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है, एस फेज में होती है, तो डीएनए पॉलीमरेज कब एक्टिव होगा, एस फेज में. इसका ऑप्शन नंबर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हिस्टोनिक प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन. हिस्टोन प्रोटीन कब बनेंगे, एस फेज में बनेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेल्स विच अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन आर कॉल्ड. रिडक्शनल डिवीजन में सेल जाएंगे म्यूसाइट सेल. म्यूसाइट्स हम मियोसिस से याद रख सकते हैं, म्यूसाइट सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोमोसोम अपीयर्स थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग. क्रोमोसोम थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट कब दिखेंगे, प्रोफेज के दौरान दिखेंगे. विच एंजाइम हेल्प्स इन ब्रेकिंग द क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर. एंडोन्यूक्लियस ब्रेक करेगा क्योंकि एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है कि किसी भी सेगमेंट के बीच से काटना, रिकॉग्निशन साइट को पहचान के बीच से काटना. इसका ऑप्शन हो जाएगा ए. 149. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मूवमेंट ऑफ चियास्मेटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमेटिड्स. इसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डॉटर सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिंगल मियोसिस डिफर फ्रॉम ईच अदर. डॉटर सेल्स होती हैं जो उस मियोसिस के दौरान होती है, वो सिंग एक ही मियोसिस से होती है पर वो डिफरेंट डिफरेंट की होती है क्योंकि मियोसिस फर्स्ट होती है, उसमें प्रोफेज फर्स्ट होती है, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और फिर वो आपस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो जाती है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर बिना डिपेंड करे अलग हो जाते हैं, तो इसकी वजह से होता है. तो ऑप्शन नंबर डी. नंबर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ सेल्स डेट अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 216 गैमेट्स आर. देखो एक मियोटिक डिवीजन के दौरान चार सेल्स बनती हैं, तो अगर 216 को चार से डिवाइड कर दे तो आंसर मिल जाएगा और आंसर आएगा 54. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रोमोसोम अपीयर्स एज थिन लॉन्ग थ्रेड्स ड्यूरिंग. थिन और लॉन्ग थ्रेड हमें लेप्रोटीन स्टेज में शो होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 200 स्पर्म्स. ये क्वेश्चन अभी पीछे किया है कि एक मियोटिक डिवीजन में चार सेल्स बनती हैं, तो 200 को अगर चार से डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा 50. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद सेल डिवीजन. इन सारों में से एक जो कौन सा एसोसिएटेड है वो है माइक्रोट्यूबुल, क्योंकि उस टाइम माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोस्ट माइटोटिक फेज ऑफ सेल इन विच एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स फेज. प्रोटीन टेक्स प्लेस. प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस कौन से स्टेज में होते हैं, जीवन फेज में होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन बाईवेलेंट आर. बाईवेलेंट का फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग हो चुकी होती है, तो उस टाइम कितने डीएनए मॉलिक्यूल आपस में बांट रहते हैं, चार मॉलिक्यूल रहते हैं डीएनए के. Which next question. Which structure of animal cell form astral rays. Astral rays centrosome form करते हैं. Centrosome जो chromosome के ऊपर होती है, center में होती है, center में नहीं मतलब कहीं भी हो सकती है, पर जो sister chromatids को आपस में जोड़ती है उसको centrosome होती है, तो वो form करती है astral rays.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड माइटोसिस? माइटोसिस डिस्कवर्ड करी थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ माइटोसिस आर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा होगा इसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस ऑकर्स इन? मियोसिस किस में होगी? डिप्लोइड सेल्स में होगी, कैंसरस सेल्स में तो होगी नहीं, वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, रेप्लोसाइट्स में भी नहीं, एप्लोइड सेल्स में भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड? सिंथेसिस ऑफ डीएनए कब खत्म हो जाता है? जीवन स्टेज में ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मियोसिस द डॉटर सेल्स रिसीव? मियोसिस होता है उसमें डॉटर सेल्स को क्या मिलते हैं? मैटरनल और पैटर्नल का मिक्सचर मिलता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है और वो आपस में चियास्माटा वो फॉर्मेशन करती है उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेशनल डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्या है मियोसिस के दौरान? सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का जो है सेग्रीगेशन होना होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू? वेरिएशन अपीयर होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस किसी वजह से, अभी पढ़ा था ये तो, क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, तो इसका ऑप्शन सी, चियास्माटा आर द फर्स्ट सीन इन। चियास्माटा किसमें होगा? जो ऐसी सेल्स में जिनके अंदर मियोसिस होगी, तो मियोसिस किसके अंदर होते हैं? जर्मिनल सेल्स के अंदर, क्योंकि वहाँ क्या होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इज करेक्टरिस्टिक्स बाय? लेट प्रोफेज के दौरान क्या हो जाता है? जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है लेट प्रोफेज में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ देम एक्सप्रेस प्योर गैमेट? प्योर गैमेट कौन से होंगे? सी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टी है ये ही प्योर है, ये दोनों आपस में प्योर है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये प्योर गैमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड मेंडलिज्म? मेंडलिज्म किसने डिस्कवर किया था? इन तीनों ने मिलकर किया था, जब मेंडल की डेथ हो गई थी उसके बाद, तो गोडीवेरिस, सीमार और कोरेंस, इन तीनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज? पी प्लांट्स क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये एनुअल प्लांट है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है इसकी ग्रोथ को कम्प्लीट, इसकी लाइफ साइकिल खत्म होने में, ये सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो इसमें हम क्रॉस और सेल्फ दोनों पोलिनेशन करवा सकते हैं। और क्या है, जो सीड है वो एक बार में ज़्यादा देता है, तो मतलब स्टडीज़ में ज़्यादा हेल्प होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिलोमॉर्फिक पेयर इम्प्लाई डेट? एलिलोमॉर्फिक क्या होता है? मतलब एक करेक्टर है, उसके दो अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, उनको कहते हैं एलिलोमॉर्फिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेट कंटेन? गैमेट के अंदर क्या होता है? गैमेट के अंदर एक एलील होता है, क्योंकि अब हम सोच रहे होंगे दो अलील होते हैं, पर ये नहीं होता, क्योंकि गैमेट के अंदर क्या होता है, मियोसिस हो जाती है और इसके अंदर एक अलील बचता है एक जीन का, दूसरा दूसरे के साथ चल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स? मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स क्या बनते हैं? म्यूल बनते हैं। म्यूल ऐसे याद रखने लेना, जैसे मेल डोंकी है गधे से क्या बनेगा एक टाइप में, एम से एम, ये ऐसे याद रखने लेना, जैसे मेल डोंकी है उससे म्यूल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहिबिटिंग जीन्स विच सप्रेस द अदर जीन्स? एक जीन्स जो दूसरे को भी सप्रेस कर देते हैं वो जीन, उसको क्या कहते हैं? एपिस्टेटिक जीन कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एलीलिक जीन्स? अलग अलग नॉन एलीलिक जीन्स हैं, सेम जीन के नहीं है एलील्स, जो प्रोड्यूस करते हैं इफेक्ट, इट्स इफेक्ट इन डोमिनेंट स्टेज एंड अदर डोमिनेंट जीन मॉडिफाइड इफेक्ट ऑफ फॉर्मेट टू प्रोड्यूस ए न्यू ट्रेट। क्या होता है, इफेक्ट प्रोड्यूस होता है डोमिनेंट स्टेज में, पर दूसरा डोमिनेंट जीन है वो मॉडिफाई कर देता है पहले के इफेक्ट को एक नया ट्रेट प्रोड्यूस करने के लिए, तो सप्लीमेंट्री जीन होता है वो करता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीजम सातिवम विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज डोमिनेंट? जो इन्फ्लेटेड पोड होती है वो होती है डोमिनेंट होती है, बाकी इसमें टॉल प्लांट डोमिनेंट होता है, इसमें ग्रीन पोड डोमिनेंट होती है, व्हाइट फ्लोर की जगह वॉयलेट फ्लोर जो होता है वो डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ऑब्जर्व 1:2:1 इन F2 जनरेशन, व्हाट इज नेम ऑफ दिस रेशो? मेंडल ने दो रेशो निकालते, एक जीनोटाइपिक एक फिनोटाइपिक, तो जो 1:2:1 है वो है जीनोटाइपिक रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉग्स ब्लैक कोट बीबी कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट, व्हाट कलर्ड डॉग विल बी चूज टू ब्रीड अगेन ब्लैक टू फाइंड इट्स जीनोटाइप? जीनोटाइप कभी भी फाइंड करना होता है हम टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं, और उसमें टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जिसका हमें फाइंड करना है उसका जीनोटाइप को क्रॉस करवाते हैं जो रिसेसिव होता है उसके साथ, तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन होगा ए, क्योंकि हमें तो इससे जो मिलेगा ना डॉग ब्लैक और इसके वाइट से जो डॉग होके मिलेगा ब्रीड उसका करना है, तो वो मिलेगी हमें बीबी, तो उसका बीबी से करवाएंगे तो हमें ऑप्शन ए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ वाइट सिप आर मेटेड एंड द ऑफस्प्रिंग इज ब्लैक? वाइट सिप को मेट किया और ब्लैक ऑफस्प्रिंग आया, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक जीन है उसके अंदर वो क्या रिसेसिव है, तो रिसेसिव है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है ना कि वो नेक्स्ट जनरेशन में तो जाएगा ही और शो भी करेगा खुद को, तो 25% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक जीन है जो ब्लैक है, हिट्रो ये होमो सेम, मतलब दोनों वाले सेम नहीं है, एक डिफरेंट है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो जो रिसेसिव है वो ब्लैक बना रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन में एक ही जाएगा रिसेसिव, तो उससे क्या होगी 25% पॉसिबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन विद डिम्पल इन हिज चीक्स मैरिड ए वुमन विदाउट डिम्पल, व्हाट आर द चांसेस ऑफ देयर चाइल्ड टू हैव डिम्पल?
दो बच्चे होंगे ना उसके डिम्पल होंगे, चार के नहीं होंगे, क्योंकि डिम्पल कब होंगे जब दोनों अलील है वो क्या होंगे रिसेसिव होंगे, तो दो रिसेसिव हैं तो अगले स्टेज में जाके वो क्या होंगे दो दो में पॉसिबिलिटी है कि वो जाएं, चार में से दो बच्चे उनके डिम्पल वाले हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स, गैमेट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होते, तो इसका मतलब है कि लोफ सेग्रीगेशन, कि वो सेग्रीगेट होते हैं आपस में बिना डिपेंड हुए, बिना आपस में डिपेंडेंट नहीं होते, वो नॉर्मल सेग्रीगेट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एक्सेप्शन टू मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, कौन से, गार्डन पी तो नहीं है क्योंकि इसमें तो मेंडल ने काम किया ही था, इस पे तो वाइल्ड पी भी नहीं है, मीराबिल जलापा ये है क्योंकि इसमें कोडोमिनेंस शो हो जाती है, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटेरोसिस इज, हिटेरोसिस है वो क्या होती है, हाइब्रिड वीगर, इसे मतलब ऐसे मतलब कैरेक्टर हैं पेरेंट्स से मिलकर वो इतने सुपीरियर कैरेक्टर आ जाते हैं, उसको हाइब्रिड वीगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप ए ए ए बी, तो इसमें तीन गैमेट बनेंगे, कौन से ये चेक करा करो कि कितने डिफरेंट अलील्स हैं, क्योंकि इसमें तीन ही डिफरेंट अलील्स हैं तो तीन ही जीनोटाइप बन सकते हैं, एक डोमिनेंट ए, एक रिसेसिव ए और एक बी, तो इसके हिसाब से तीन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ब्राउन आइड मैन मैरीज ए ब्लू आइड वुमेन, वट आर द पॉसिबिलिटी जीनोटाइप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, 50-50 हो जाएगा क्योंकि वुमेन है उसका भी ये पूरा दिया ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि वुमेन का कि भाई वुमेन का जीनोटाइप क्या होगा, ब्राउन आई का बी भी है तो शायद ब्लू का रिसेसिव हो जाएगा, दोनों का बी और बी हो जाएगा, ये तो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डॉग हिटरोजाइगस फॉर बोथ बार्किंग ट्रेट एंड इरेक्ट ईयर्स, ये क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, जो डॉग है वो दोनों के लिए हिटरोटाइप है, मतलब बार्किंग के लिए भी इरेक्ट के लिए भी, ठीक है, मतलब एक डोमिनेंट अलील है एक रिसेसिव अलील है, तो इसको क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस के साथ, जब हिटरोजाइगस को होमोजाइगस के साथ वो करवाते हैं तो उसका रेशियो हमेशा 1:1 आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विद टू डिफरेंट अलील सीरीज, दो डिफरेंट अलील है उसका क्या होगा, हिटरोजाइगस होगा वो स्ट्रेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो है जॉर्ज मंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विद टू सिमिलर अलील्स फॉर ए करेक्टर, अगर सिमिलर अलील्स है तो हिटरोजाइगस और अगर डिफरेंट अलील्स है एक करेक्टर के लिए तो हिटरोजाइगस, ये यहाँ क्या होगा होमोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म अलील वॉज प्रपोज बाई, अलील टर्म प्रपोज करी थी बैट्सन ने, तो इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड वन ऑफ रिसेसिव पेरेंट्स, ये हमने अभी भी किया था थोड़ी देर पहले, कि अपन जब को टेस्ट क्रॉस करना हो जीनोटाइप निकालना हो तो उस टाइम क्या कहते हैं रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सप्लीमेंट्री जीन्स 9:3:3:1 हैज बीन चेंज, टू ये होगा चेंज ए ऑप्शन में 9:3:4 सप्लीमेंट्री जीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड मेंडल्स वर्क इन टू लॉज एंड प्रिंसिपल्स, ये किया था कोरेंस ने, तीनों मिलकर काम किया था, हमने देखा था सी मार्क्स, कोरेंस और गुडवेरीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन, एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट जितने भी जीन्स होते हैं उनका अगर सम टोटल कर दिया जाए तो वो जीन पूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनब्रीडिंग रिड्यूसेस, इनब्रीडिंग से क्या होता है, जो हिटरोजाइगोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, होमोजाइगस करेक्टर आने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राजेनिक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इंक्लूड, इंट्राजेनिक मतलब सेम जीन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये मतलब एक टाइम यही मान लो जो मेंडल ने काम किया था उससे हट के कुछ हमें रिजल्ट्स मिले थे कुछ उसमें, तो वो तीन थे, कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलील और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये है ऑप्शन बी, इंट्राजेनिक हैं ये तीनों, इंटरजेनिक भी होता है पर ये तीनों क्या इंट्राजेनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, अल्टीमेट सोर्स वेरिएशन क्या है, म्यूटेशन, म्यूसिस है उससे क्या है थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, थोड़ी बहुत बिल्कुल जब क्रॉसिंग ओवर होती है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, म्यूटेशन क्या है वो अल्टीमेट सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स एक टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इज, तो अभी क्या था जो पॉपुलेशन के अंदर होती है जितने भी सारे ग्रुप का सारे जीन्स को मिला के ग्रुप होता है उसको कहते हैं जीन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव आर अवॉइडेड बिकॉज, मैरिज है वो क्लोज रिलेटेड के बीच में क्यों नहीं की जाती, क्योंकि रिसेसिव अलील है वो एक साथ आ जाते हैं और एक साथ आने से क्या है कि फैटल हो सकते हैं, वो हार्म कर सकते हैं जिसके अंदर भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज वन इन विच, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है जिसके अंदर एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को अपन यूज़ करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन प्योर टाल प्लांट इज क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ प्लांट ऑल द एफएन प्लांट्स आर टॉल बिकॉज, ये किसकी वजह से होता है, डोमिनेंस की वजह से होता है कि भाई सारे इसमें डोमिनेंट फैक्टर, जैसे हमने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट पे देखा था एफएन जनरेशन में सारे टॉल आए थे क्योंकि जो टॉल है वो डोमिनेंट है तो अपने आप को शो करेगा। तो आज के 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं, वी विल मीट टुमारो विद नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। ओके।
थैंक यू।